करते हैं। जानवर पालना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, हमारे घर पे बकरियां बहुत हैं। कल हमने बताया था कि हमारे वीडियो की स्थिति कैसी है, आज भी वही हाल है, मतलब आज तो कई साल से वही हाल चल रहा है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवर्टी सैटाइज में। तो कुछ भाई लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है और मुझे बताया है कि भाई आप अपने चैनल का नाम चेंज कर दीजिए, अपने नाम से रख लीजिए, हो सकता है आपको इससे प्रोग्रेस मिले। खैर ठीक है, हम आज ऐसा करेंगे, नाम चेंज करेंगे अपने चैनल का, अपना नाम रखेंगे वहीद ब्लॉग। अब बताइए कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। और दूसरी बात भाई साहब, कल जो मतलब हवा चल रहा था, हवा तूफान चल रहा था बहुत तेज, ये हमारा जो मतलब सीमेंट वाला पत्रा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ वाला जो है ये देख सकते हैं आप, हवा की वजह से मतलब हमारा पत्रा टूट भी गया है और वो कभी भी मतलब गिरने के कगार पर भी है। तो हम चलकर आपको दिखाते हैं ही कि किस तरह से ये टूटा है, और इसके लिए मुझे लाना पड़ेगा सीमेंट और गिट्टी, उसके बाद में तब जाकर ये सही होगा। ये देख सकते हैं ये टूट गया है, ये देखिए, और ये पूरा पत्रा एकदम से टूटा है, पूरा एकदम आर पार टूटा है। क्या करें यार भाई, इतना है नहीं हमारे पास, नहीं तो इस पर हम छत लगवा देते। खैर कोई बात नहीं, जब अल्लाह देगा तब होगा। बाकी आज के वीडियो में क्या होगा, हम लोग इसी टाइम जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए, स्वयं को मैंने बुलाया है और वो आ ही रहा होगा। बाकी हवा धीरे धीरे अपना रुख बदल रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, 10 के बाद में हवा काफ़ी तेज़ हो जाएगा फिर आज, और फिर वही दिक्कत कर वाली हम लोगों के सामने आएगी। तो इसीलिए सोचा कि चलिए मॉर्निंग में ही मतलब वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर पूरा दिन आराम ही आराम रहेगा, हवा से बचेंगे, धूप से बचेंगे, अपने घर पर आराम करेंगे। लेकिन ब्लॉग हमारा तो किसी तरह से कंप्लीट होना है और होगा भी, तो इससे पहले चलते हैं कुछ चाय पानी पीते हैं और फिर दोबारा उसके बाद में हम मोबाइल चैनल का नेम चेंज करते हैं। नेम चेंज करने के बाद में बाकी जो कुछ होता है वो हम दिखाएंगे, और हमारे घर का थोड़ा सा व्यू देख लीजिए, हमारे गांव का व्यू देख लीजिए छत से। जानवर पालना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, हमारे घर पे बकरियां बहुत हैं, लेकिन ये बकरियां इतनी गंदगी फैलाती हैं, इतनी गंदगी फैलाती है भाई साहब कि पूरा छत आप देख सकते हैं किस तरह से है। अभी जब उठेंगी तब इसको साफ़ करेंगी और उसके बाद में तब जाकर ये मतलब ठीक ठाक होगा। और बाकी हमारे गाँव का व्यू देख सकते हैं, ये चारों तरफ का इस तरह का है, और उसके बाद फिर हम अभी आपको लेकर चलते हैं दूसरे साइड में, और वहाँ का भी आप लोग देखिए, ये देख सकते हैं भाई साहब, तो इस तरह से दिख रहा है हमारा गांव। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं। ये हवा से सिर्फ एक ही नुकसान है भाई, क्योंकि सारे फसल तो कट गए हैं, फसल की टेंशन है नहीं, अब टेंशन है बाग की, जो आम लगे हुए हैं टिकोरा जिसे बोलते हैं छोटा छोटा, उसकी दिक्कत है। भी जितने तेज हवा चलेगा उनका उतना ही नुकसान होगा, उतना ही गिरेगा। अब जो लोग बाग खरीदे हैं, अगर सारे आम गिर जाएंगे हवा से तो बताइए उनका क्या होगा। और शुरुआत हो चुकी है हवा की, धीरे धीरे ये 10 बजे के बाद में अपनी स्पीड पकड़ लेगा, पैदल चल रहे हैं, स्वयं आ रहा है, आज उसी की गाड़ी से जाएंगे क्योंकि गाड़ी हमारी है नहीं, लड़का हमारा जा रहा है किसी दोस्त के पास, दावत है उसका, तो देखो कब आ रहा है वो। बाकी और जो कुछ भी होता है वो आपको हम दिखाएंगे। फिर वीडियो शूट करने के चक्कर में भाई लोग आप देख सकते हैं कि कहां पर हम बैठे हैं, ये है मड़ैया, देखा था टूटा फूटा, और यही मैं यहाँ हम लोग बैठा हैं। बाकी भाई लोग गया है अपन सूट पर, यहाँ हम यहाँ सामान बैठा रखा हुआ है, गाड़ी यहाँ पर यहाँ खड़ी देख सकत हो। बाकी मौसम जो है हालात ही बहुत ख़तरनाक है, धूप बहुत तेज क्या है, और कुछ लोग खेत में यहाँ अपन गेहूँ काटत हैं, यानी जहाँ पर यहाँ कंपाइन नहीं पहुँचा सही
वहाँ पर यहाँ लोग अपने हाथे से काटत हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम दिखाई दी, यहाँ देख सकत हो काटा थे ना। बाकी ये हुए व्यू देख लो, ये गाँव हुए और वकरे बाद में यहाँ यहाँ पोखरा हुआ, ये जगह हुए। और एक बात और बताई दी हम, जैसे कि भाई लोग हमें ही कहत रहे कि यार नमवा चेंज कर दियो, 7 साल से यूट्यूब पर हम मेहनत करत रहे लेकिन हमारे मेहनत के ही फल जो नहीं अभी तक नहीं मिला है। हिम्मत नहीं हारे हम कि हिम्मत हार गया हम, बस खाली लोग हमसे कहत रहे कि नमवा बदल दियो। सबके बतिया सुन के हम इग्नोर कर दिया करते हैं कमेंटों वाला कि ना ही यार जो नमवा है वही रही। आखिर काबड़े 2 दिन पहले हमारा मूड इतना ज्यादा अपसेट हो गया, इतना ज्यादा अपसेट हो गया भाई कि हम का बताई यार। यही नाते ही हम नमवा दिहन बदल, राइडर UP 47 से ही बदल के वका हम कह दिया वहीद बुला ले। ये हमारे सुहेल भैया हुए आया है, ना है झोरा झंटरिया ने देख लो गाइस आए नकली नोट यार है। हाँ? नकली नोट है। हाँ, नकली नोट है। अच्छा अच्छा, बिरोम काम लगा करते तो नमवा चेंज कर दिया। तो जब बिरोवा जाई तो ये ना सोचो ही कि वही ब्लॉक के हुए, ठीक है, वो हम ही हुए राइडर UP 47। हाँ, टेंशन ना लो, नाम खाली बदले हन। लेकिन अब भाई लोग वीडियो अगर हमारे जाये तो सबके पास ना, तो देखे के बाद में जरूर शेयर कर दिया करो। जब शेयर करबो तब तक कुछ बेनिफिट हमें मिली, नहीं तो जान लो कि ऐसे हम मेहनत करते रह भाई और फायदा कुछ होबे नहीं करी, ठीक। बाकी और जो दिन में हो सही है अभी तक के हम सब दिखावा करब, शाम के यहाँ जनता एंड करी है, अभी ऐसे चलत है। इतना कुल मिल गए, ले जाओ, इतना पैसा मिल गया, अब हमारी शादी हो जाए। अरे ले जाओ यार, दिमाग खराब के मर गए, जब वहाँ काम लागत है। तो ये रहा सीन आज के भाई साहब, देख सका था कि ये धूप में यहाँ हिम्मत नहीं पड़ा थी कोई यहाँ घर से बाहर निकले के लिए। लेकिन भाई क्या करे यार, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनको काम करना है। हम लोग सुबह गए थे, उसके बाद में काम करके उस वापस आ गए हैं, चलते हैं घर। और उसके बाद में भाई भूख बहुत तेज लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, क्योंकि चाय पी के ही गए थे, नहाएंगे उसके बाद में फ्रेश होंगे तब फिर उसके बाद में खाना खाएंगे, तब तक चलते हैं आराम करते हैं, फिर जो भी होगा आगे वो चीज हम दिखाएंगे, है ना। हाँ, बाकी देख सकते हो स्कूल लग चुका है, मदरसा लग चुका है, और मदरसे के बारे में एक दिन हम आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे जिससे आप लोग हमारी थोड़ा सा हेल्प करेंगे, यकीन है कि मतलब करोगे। बाकी गांव देख सकते हैं हमारा सीन। हम इसके आगे आप लोगों को कुछ दिखा तो नहीं पाए क्योंकि सोचा था कि घर पहुंचने के बाद में नहाएंगे, नहाने के बाद में जोहर की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर चलेंगे गांव में या और कोई मतलब काम होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सका। और हम आकर नहाए, नहाने के बाद में नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद में खाना खाया, क्योंकि हम सुबह ऐसे ही चले गए थे चाय पीकर, और उसके बाद में फिर दोपहर में जब आए तो ये सारा काम करने के बाद में आराम से मैं सोया मगरिब तक। और सोने के बाद में भाई जब उठा तो देखा कि एकदम मगरिब की अजान हो चुकी है, शाम हो चुका है, अब तो कुछ है ही नहीं है। तो हमने सोचा कि अब वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और कल की वीडियो में जो कुछ होता है बढ़िया से बढ़िया अपना ब्लॉग करेंगे, उसके बाद में हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए भाई वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सपोर्ट करिए। और हमने चैनल का नेम चेंज कर दिया है, बदल दिया है, आप लोग जरूर मुझे सर्च करिए, हमारे नाम को सर्च करिए और उसके बाद में तुरंत नाम हमारा आ जाएगा, यानी चैनल हमारा सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए मुझे।